डैम भी है और इसका नाम एक और लवकुश डैम भी कहते हैं, और ये कानपुर में है और बहुत ब्यूटीफुल प्लेस गंगा बैराज। जल्दी चलते हैं, बहुत धीरे धीरे चलना ना, तेज स्टार्ट। Hey guys, हम तो पहुंच चुके हैं गंगा बैराज, और गंगा बैराज के आपको सीन दिखाते हैं अच्छे अच्छे। गंगा बैराज, और ये गंगा बैराज गजब का है यार। कहते ना, जिसको प्रॉब्लम हो या कोई दिक्कत हो यहाँ आके मजा ले सकता है। कोई शांति का प्लेस है, और यहाँ पे गंगा बह रही है और इतना शांतिपूर्वक इलाका है, फैन हो जाओगे आप यहाँ पे आके तो। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे दिल है, मतलब नहीं समझे, समझाऊँगा ना, दिखाऊँगा तो देखो। और साथ में मेरा भाई भी आया है छोटा, तो आप मिलोगे। Hi guys, what's up dude? ये बहुत बॉम्ब जगह है कानपुर की, सॉरी। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? वो चला गया अभी देखने के लिए, तो लेट्स स्टार्ट। गंगा जी सामने है, देखना चाहोगे? दिखाता हूँ, सबर करो। कैसा लग रहा है? गुड ना? देखो कैसा लग रहा है आप लोग को यार, गजब का नजारा लग रहा है, गजब का। और देख रहे पानी, देखिए कितनी बाह में बह रहा है, इतने प्यार से पानी आपने कभी नहीं देखा होगा, तो मैं दिखा रहा हूँ इस ब्लॉग में। और ये गाइस, इसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन थोड़ी सी देना चाहता हूँ। ये एक डैम है, और ये विश्व का जैसे छोटे छोटे डैम होते हैं, उन डैमों में से एक डैम है, और ये कानपुर टू लखनऊ है, ठीक है? ये इससे यहाँ से आप कानपुर से लखनऊ जा सकते हैं, ठीक है? और बहुत अच्छा ये डैम है, और इसे गंगा बैराज भी कहते हैं। वैसे इसका एक और नाम है लवकुश डैम, ठीक है? और बाकी जानकारी तो आप लेनी है तो गूगल से ले लीजिए, मेरे पास इतनी जानकारी है। और बहुत अच्छा है यहाँ पे, और भी चीज़ें दिखाता हूँ, और भी शूट लेता हूँ उसके। बोटिंग की सुविधा दी गई हुई है, और यहाँ पे आइए तो गंगा जी में आप बोटिंग कीजिए, अकेले कीजिए, बोटिंग वाले रहते हैं, ठीक है? आप केवल बैठिएगा वहाँ पे, कुछ करिएगा नहीं, और ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गंगा जी जब नाराज़ हो जाती ना तो छोड़ती नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें दूर से रहेगा, आनंद लीजिएगा, अच्छे से लीजिएगा, लेकिन दूर से लीजिएगा। लोग देख रहे हैं कि पीछे मैगी पॉइंट है, ये गंगा बैराज में मैगी पॉइंट बहुत फेमस है। एक दुकानें नहीं है, सैकड़ों दुकानें हैं, आप कहीं भी खाओ, स्पेशल ही है सब। लेकिन मेरे हिसाब से आप कोई अच्छी चूज़ करके खाएगा, क्योंकि कोई कोई है ना मैगी अच्छी बनाते हैं, कोई कोई मेरे हिसाब से, मेरे को लगता है कि थोड़ी अच्छी नहीं बनाते, ठीक है? तो खाइए, स्पेशल मैगी है, और यहाँ की स्पेशलिटी है मैगी पॉइंट, इसे ले दिया गया, ठीक है? एक तो गंगा बैराज, दूसरा मैगी पॉइंट। आप कभी भी आइए, लेकिन 12 बजे से, रात के 12 बजे से पहले आइएगा, और सुबह 6 बजे के बाद आइएगा, मॉर्निंग में, ठीक है? और देखिए वो सामने लगे हुए हैं मैगी पॉइंट्स, देखिए। तो गाइस, इस टाइम हम लोग जो खड़े हैं वो डैम के जस्ट ऊपर खड़े हैं,
और ये डैम जो आपको शायद अभी दिख नहीं रहा होगा, शायद अंधेरा है, लेकिन मैं दिखाना ये चाहता हूँ कि ये डैम जो ये वाटर कंट्रोलर डैम है, इसमें पानी का फ्लो कंट्रोल में किया जाता है कि आगे पानी इतना जा ना पाए, क्योंकि आगे भी गांव वगैरह और शहर हैं जो फ्लो के कारण बह सकते हैं या डूब सकते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम हो। तो यहाँ वाटर कंट्रोलर डैम है ये, ठीक है। और तो और बाकी नज़ारे तो आप देख ही रहो, देख कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये देखिए बुलेट, ऑल टोटल बुलेट, टैकिंग द बुलेट, कितनी सारी बुलेटें आ गई हैं। ये सब रॉयल इनफील्ड है। देखिए आगे तक रॉयल इनफील्ड है, ये अपना प्रचार कर रहे हैं रॉयल इनफील्ड वाले। अंकल जी ये बताइए, ये झालमुड़ी क्या है? झालमुड़ी ये बंगला का झालमुड़ी है। अच्छा, सूखा में आता है। अच्छा, जो है इसमें कड़वी खट्टी चटपटी होता है, और ये जो है भेलपुड़ी में मीठी होती है। ओ, तो यहाँ पे इसको तो भेलपुड़ी कहते हैं, लेकिन आपने झालमुड़ी दिखाया है। हाँ। लेकिन लोग समझ नहीं पाते होंगे। नहीं समझ पाते हैं, यहाँ नहीं समझ पाते हैं झालमुड़ी होता क्या। अच्छा, इसमें क्या क्या डालते हैं आप, स्पेशल कुछ है आपका? स्पेशल में झालमुड़ी में तो पड़ता है, बहुत आइटम पड़ता है। अच्छा, मूंगफली के दाने हैं, सेव हैं। जैसे देखिए अंकल के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको छोटी सी दुकान शॉप दिख रही होगी, लेकिन बहुत कुछ है। और अंकल की स्पेशल है, मैंने सुना हुआ है, इसलिए मैं खाने के लिए आया हूँ। तो आप लोग भी आइए, और अंकल जी का नाम फेमस है। अंकल जी आपका नाम बताइए। सुख मनोज प्रजापति। अच्छा, मनोज प्रजापति। आप बांग्ला में रहते थे क्या? नहीं, बांग्ला में नहीं रहते थे, हम तो रहने वाले देवरिया जिले के हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। लेकिन लगते बांग्ला है आप, थोड़ी सी बांग्ली भी बोलते हैं आप, ठीक है। चलिए, हाँ, जब वो लैंग्वेज मिलता है तभी तो बोलने में मजा भी आता है। अच्छा अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। खाते हैं हम लोग भेलपूड़ी, देखते हैं अंकल जी का स्वाद। सही बात ऐसा है कि झालमुड़ी भेलपूड़ी की काबिलियत कुछ है कुछ कि नहीं? तो गाइस, हम लोग की भेलपूड़ी बन के आ गई है। ये देखिए भेलपूड़ी, नहीं भेलपूड़ी नहीं, सॉरी, झालमुड़ी। यार कन्फ्यूज हो जाता है, भेलपूड़ी है कि झालमुड़ी है। तो खाते हैं, टेस्ट करते हैं, ठीक है। मस्त होगी। ये कह रहा मस्त होगी भाई, पहले टेस्ट करेंगे फिर बताएंगे। मास्टर साहब मैं हूँ, इस टाइम जज हूँ मैं। आप लोगों को मालूम है गंगा बैराज के पास में ही एक अटल घाट बन गया है, ये योगी जी ने बनवाया है, और हमारे योगी जी ने, और बहुत अच्छा है। और इसमें बैठने के लिए सुविधा भी दी गई है, जैसे कोई बैठना चाहता है, टाइम स्पेंड करना चाहता है, और जैसे कोई भी आना चाहे तो यहाँ पे आ सकता है। बहुत अच्छा बना हुआ है, साफ़ सुथरा है और प्रदूषण रहित है। तो आइए यहाँ भी इंजॉय करते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं आपको, यहाँ के भी शॉट ले लेते हैं थोड़े से, और बस बाकी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे साफ़ सफाई को लेके कितना अच्छा लिखा गया हुआ है, ठीक है। और जैसे मूर्ति लोग फेंकते हैं या फूल माला वगैरह फेंकते हैं, उनके लिए ये जगह बनाई गई है कि आप इसमें फेंकिए, गंगा को गंदा ना करिए, ठीक है। तो ये देखिए कितनी अच्छी चिट्ठी लिखी हुई है, और अब भी लोग गंगा को गंदी करेंगे तो क्या होगा? हाँ, क्या होगा आप लोग जानते ही क्या होगा। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो आपको? मस्त लगा ना? तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। यार ये बोल नहीं पा रहा, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, करो। और अपना तो है वही MK ब्लॉग, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, मस्त वीडियो है,
और मज़ा आएगा आपको उस वीडियो में, आपको बहुत मज़ा आया। ठीक है, इसमें तो मज़ा आया यार, मैंने मेहनत करी, कुछ नहीं किया, खाया भी है इसने केवल बतासे खाया ये, हाँ मैंने भी खाया। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।